नमस्कार आप सभी को। आज है भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह, और हमने ये माला भी रेडी कर लिया है, और अभी हम तुलसी माता को सजाएंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको आज कथा सुनाऊंगा, तुलसी माता का विवाह क्यों मनाया जाता है। ये शालिग्राम जी को भी हम लेके आए हैं, थोड़ी देर में शालिग्राम जी को भी हम सजाएंगे। सबसे पहले माता तुलसी को सजा लेते हैं। तुलसी विवाह के पवन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइस, आज है तुलसी विवाह, और तुलसी विवाह क्यों मनाते हैं, मैं आज बहुत सारे कथा है, उनमें से मैं आज एक कथा बताने जा रहा हूँ। तुलसी विवाह क्यों मनाते हैं, तो प्राचीन काल समय की बात है, जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, बहुत शक्तिशाली राक्षस, और बहुत ही शक्तिशाली, उसको युद्ध में परास्त करना किसी का बस की बात नहीं था। भगवान देवता लोगों को परेशान करके रख दिया था, और उनकी एक और उस राक्षस का शक्तिशाली होने का कारण उसकी पत्नी वृंदा है, और वृंदा पतिव्रत पत्नी थी, और वृंदा भगवान विष्णु भगवान की भक्त भी थी, पूजा करती थी। सो वृंदा के कारण जालंधर राक्षस इतना शक्तिशाली हुआ था। तो एक दिन जालंधर से परेशान देवता सभी विष्णु भगवान के पास गए, और जाकर इस समस्या का हल ढूंढने लगे, उसको कैसे परास्त किया जाए, और वो परेशान करके रख दिया था। तो विष्णु भगवान सोचने लगे, कुछ उपाय ढूंढने लगे, और विष्णु भगवान ने एक उपाय ढूंढ लिया और सीधा चले गए वृंदा के महल। जब विष्णु भगवान वृंदा के महल चले गए, तब वृंदा पूजा पाठ में लगी थी, और उसका एकाग्रता भंग करने के लिए विष्णु भगवान वहीं चले गए। और विष्णु भगवान कैसे गए, जालंधर का रूप लेके, और जालंधर का रूप लेके गए, तो वृंदा जालंधर को देख के, उनके पति को देख के सीधा उनका पूजा भंग हो गया।
तो वहाँ पे जाके सीधा अपने पति को प्रणाम किया। और उधर युद्ध चल रहा था तो ऐसे पूजा भंग हो गया, उधर जालंधर हार गया और उसका काटा हुआ सिर सीधा महल में आ गया। तो वृंदा देख के चौंक गई, अरे यहाँ पे कौन है ये, ऐसा सोचने लगी। बाद में तो वृंदा को सब छल के बारे में पता चल गया, तो वही वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया और विष्णु भगवान पत्थर हो गए, विष्णु भगवान पत्थर के रूप में चले गए। ऐसा देख के तो देवतागण सभी परेशान हो गए, क्या हो गया ये। तो बाद में उधर लक्ष्मी भगवान भी परेशान हो गई। बाद में जाके वृंदा ने श्राप वापस ले लिया और सीधा अपने पति जालंधर का सर लेके सती हो गई। और जहाँ सती हुई वहीं से एक पौधा निकल आया और उस पौधा का नाम हो गया तुलसी। विष्णु भगवान ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वो तुलसी के रूप में हमेशा उनके साथ ही रहेगी। और आज के दिन जो शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह जो कराएंगे उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी और भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा रहेगा। सो इस कथा के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता था, इसलिए जो आपके साथ शेयर किया। सो आप सभी को फिर से तुलसी विवाह का ढेर सारी शुभकामनाएँ।